जमकर गोलियां चली। गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं रात के सन्नाटे में गोलियों की आवाज़ से आसपास के गांव में दहशत फैल गई। घटना थाना फलावदा क्षेत्र के गांव कुंडा की है। खूनी संघर्ष और फायरिंग में कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को मेरठ अस्पताल में भर्ती करवाया, साथ ही शव को मोर्चरी हाउस में भेजा। पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। ग्राम कुंडा में सोमपाल पुत्र तेज सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, इनके पाँव में गोली लगी थी। गोली लगने के पश्चात इनको CHC मवाना रात में लेके जाया जा रहा था, रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई है। इस पूरे प्रकरण में जो इनके परिजन हैं उनके द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया जाएगा, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोग घायल हैं इसमें? 2-3 व्यक्तियों का नाम आ रहा है जो घायल हैं।